नमस्कार, आइए आज पर प्रकाश डालने से पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो ज्ञान की कहीं से कहीं तक आपके अंदर कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी बुद्धि आपके पास में है, बहुत अच्छी याददाश्त आपके पास में है, सही समय पर सही जवाब देना आपको खूब आता है, वाणी से कोई आपको हरा नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर के अच्छी याददाश्त अनुकूल आप सही तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के भी रखते हैं और अपने सभी कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर बुद्ध की उंगली बहुत ही अनुकूलता के साथ में मिली। आइए बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ विशिष्टता के साथ में उठी हुई सूर्य की उंगली जो अपने आप में दिखलाती है कि व्यक्ति को स्वयं पर अपने पर स्वाभिमान है। अपने आप में वह स्वयं को कुछ अच्छा समझता है, कुछ तेजस उसके अंदर होता है, कुछ ऊर्जा उसके अंदर होती है। साथ ही साथ व्यक्ति थोड़ा सा परिवार के साथ में चलने वाला नहीं होता। कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता। बात करें आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ी सी टर्न लेकर के चलने वाली शनि की उंगली, शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशा, अंतरदशा जब जब आपके पास आएंगी तो आपके जीवन में थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना, चाहते खरा सना शनि खराब नहीं है, थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप से। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर बुध की उंगली की। बुध की बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली बिल्कुल अनुकूलता के साथ में, यानी कि सुख साधन की बात करें तो वो आप अर्जित कर लेते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था भी आपके अंदर है, साथ ही साथ छोटे बड़े गरीब अमीर गरीब सभी लोगों को गले लगा करके चलते हैं, सभी लोगों में उठते बैठते हैं। कुल मिलाकर दान पुण्य की भावना भी आपके अंदर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ बुध पर्वत की। जहाँ पर उंगली अनुकूल मिल गई वहाँ पर अगर ये रेखाएं और मिल जाती हैं तो ये टावर में और ज़्यादा एक तरह से कहें तेज भर देती हैं, एक तरह की ऊर्जा आपके अंदर भर देती हैं। इन ऊर्जा के कारण आप अपने कार्यों के प्रति लगे रहते हैं। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये आपका बुध पर्वत है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के संकेत यहाँ पर ठीक प्रकार से मिल रहे हैं, यानी कि ऊर्जा में की किसी कमी आपके पास में किसी प्रकार की नहीं है और संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ मंगल पर्व से निकल कर के सूर्य पर्व को रेखा जा रही है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि साहसिक साहस के द्वारा आप अपने कार्यों को करते रहते हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकार से कोई सहयोग का यहाँ पर कोई संकेत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप राजनीति में हाथ आजमाना चाहेंगे तो वहाँ भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस प्रकार का यहाँ पर संदेश इंडिकेशंस मिलते हैं। अब बात करूँगा आपके धन पर्व का हो, शनि पर्व और शनि पर्व पर जाने वाली रेखाओं को यदि देखते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर शनि की धन की रेखाएं बनी हुई हैं जो इस प्रकार को दर्शाती हैं कि जीवन के 55 वर्ष के बाद में आपके पास धन की स्थिति अनुकूलता के साथ में बनी रहेगी। यहाँ पर दर्शाने वाला आपका ये पर्व। बात करते हैं बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व से निकलने वाली रेखाएं मंगल से निकल करके बृहस्पति पर होकर के जाती हुई रेखाएं, जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा धन के आगमन बनाता रहता है। साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से व्यक्ति को या तो घर से मकान मिलता है बना बनाया, नहीं तो व्यक्ति अगर पैतृक संपत्ति से मिलता है, नहीं मिलता है तो व्यक्ति स्वयं मकान बना लेता है ऐसा व्यक्ति। अब बात हो गई आपके यहाँ पर, बात करूँगा आपकी रेखाओं की जिनको बोलते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा के ऊपर कई रेखाएं काट करके चली गई हैं ऊपर तक। ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशंस आपकी विवाह रेखा में नहीं मिला। साथ ही साथ आपकी हृदय रेखा भी काफ़ी पीड़ित है। उस हृदय रेखा को भी यदि मैं देखता हूँ तो उस पर भी अच्छे संकेत यहाँ दिखलाई नहीं दे रहे, यानी कि पत्नी से वैचारिक मतभेद को लेकर के आपकी हृदय रेखा साफ साफ दिखला रही है। ऐसा व्यक्ति मन के अंदर बहुत सारी बातों को छुपा करके भी रख लेता है। तो चलिए ये आपकी हृदय रेखा और आपकी विवाह रेखा का फल मैंने आपको बताया। आइए बात कर लेता हूँ मैं आपके मंगल पर्वत की। मंगल का पर्वत यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा दबा हुआ है। इस प्रकार की रेखाएं जब निकल करके मंगल पर्वत से निकल रही हैं
और तो ये इस प्रकार को यहाँ पर एक तरह से एनर्जिक रेखा है, ये क्षमता की रेखा है, ये कार्य करने की रेखा है, यानी कहीं से कुछ ना कुछ योजनाएं बना करके व्यक्ति हमेशा अपने काम में लगा रहता है। इस प्रकार की रेखाएं ये खास तौर से जो दिखलाई दे रही हैं, ये आपके जीवन में लगभग लगभग 45 वर्ष तक ये ऊर्जावान रेखाएं आपके पास में विराजमान हैं। तो चलिए, ये शक्ति रेखाएं आपके पास हैं जो आदमी के अंदर ऊर्जा देती हैं। सब तरह की रेखाएं निकल कर यहाँ से जा रही हैं, जो आयु रेखा के से निकल करके जाती हुई सीधी सीधी आपकी शनि पर्वत पर यानी धन के भाग पर भी जा रही हैं और दूर स्थानों से यात्रा भी करवा रही हैं। अब बात करूंगा मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा में क्या योजना है? बुद्धि रेखा जा करके पूरे हाथ को पार करती हुई और सीधी जा करके पहुँच गई एकदम चंद्र पर्वत तक। इस प्रकार की रेखा का संबंध 101% निश्चित रूप से आदमी को जीवन में दूर स्थानों से संबंध बना के रहेगी। यानी कि जब तक आप विदेश में नहीं जाएंगे, तब तक आप जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा आप जरूर, या तो आप माल की सप्लाई करें विदेश में, इस तरह संबंध बने, या आप विदेश में जाकर के स्वयं धन कमाएं। तो कुल मिलाकर ये बुद्धि रेखा वहां पहुंचा करके आपको छोड़ेगी। नीचे की तरफ यदि मैं देखता हूँ तो आपकी एक रेखा का संबंध और यहाँ से निकल करके और सीधा सीधा जा करके शुक्र पर्वत तक पहुँच गया है। जब इस प्रकार से शुक्र पर्वत से संबंध बनाता है तो ये भी एक तरह का संबंध विदेश से ही बनता है। तो आपका सबसे पहले जो सवाल है, फॉरेन सेटलमेंट, निश्चित रूप से फॉरेन सेटलमेंट आपका बन के ही रहेगा। विदेश से आप जुड़कर कहीं रहेंगे, ये पक्की रेखाएं आपके हाथ में हैं। आपने कहा वीजा होगा या नहीं? अरे सर, जब विदेश जाओगे तो वीजा क्यों नहीं बनेगा? तो वीजा भी निश्चित रूप से आपका बनेगा। मैं दो रेखाओं के बारे में और जिक्र कर लूं। दित्य मंगल पर्वत पर, दित्य मंगल की रेखाएं, जब जब दित्य मंगल पर भी रेखाएं आती हैं तो व्यक्ति को जीवन के अंदर मुकदमों का सामना कराती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जीवन में आपको मुकदमों का सामना ही करना पड़ता, तो व्यक्ति का ऐसा हो सकता है कि मंगल से संबंधित कोई काम हो, या तो व्यक्ति इंजीनियर टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, या कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ हो, या सेना पुलिस से जुड़ा हुआ हो, तो इस तरह का मंगल का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। इनमें से कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आपके साथ में होकर के रहे घटनाक्रम होगा। चलिए, तो ये आपके पास मंगल रेखा पर जो रेखा खड़ी थी, इनके फल मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको अन्य रेखाओं के बारे में। ये देखिए, आपको जो व्यापारिक रेखाएं रख रही हैं, ये व्यापारिक रेखाएं नहीं हैं। ये सबकी सब रेखाएं यहाँ पर अगर निकलते हैं तो व्यापार से अगर संबंध बनाती हैं तो साथ ही साथ ये स्वास्थ्य को अनुकूल ना रहने के लिए भी बताती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। यहाँ स्वास्थ्य पर कुछ आपका खर्च हो सकता है, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं, और ख़ास तौर से मस्तिष्क टेंशन भी यहाँ पर वर्तमान में नज़र आ रही है। तो कुल मिला करके थोड़ा यहाँ पर जहाँ संबंध बनता है विदेश से, और साथ ही साथ स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके वर्तमान में चलना है। अब बात करूँगा आपके पास में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और नीचे दूर चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा जा रही है, साफ कह रही है दूर स्थान से लेकर के आपका संबंध बनाऊंगी, यहाँ पर जाती हुई ये भाग्य रेखा, और ये इस तरीके से ऊपर तक जा रही है। लेकिन भाग्य रेखा की जब मैं बात कर रहा हूँ और आप 29वें वर्ष में हैं, तो 29वें वर्ष में एक जबरदस्त राहु रेखा ने आपके हाथ के अंदर यहाँ काटा है। 29 से 30वें वर्ष के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन या स्थान परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, और उसके बाद सुचारू रूप से जाकर के लगभग 39वें वर्ष में फिर आपके साथ कुछ उठा पटक, व्यापार में घाटा या नुकसान या स्थान परिवर्तन का योग। तो कुल मिलाकर के इतना आसान नहीं है जीवन में, काफ़ी कुछ संघर्ष को दर्शाने वाली यहाँ आपके हाथ के अंदर रेखाएं मौजूद हैं। तो संघर्ष रहेगा, लेकिन दूर स्थान से जुड़ेंगे, विदेश से जुड़ेंगे, यहाँ सब चीज़ें दिखलाने वाली। आपने पूछा कौन सा देश? सर, ये ऐसा है, ऐसा ना तो किसी ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कौन से देश से जुड़ेंगे, ना ही किसी अंक शास्त्र में लिखा हुआ है, और ना ही कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ इस बात को बता सकता है कि आप कौन से देश से जुड़ेंगे।
बच्चे कितने ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बच्चे आपके भाग में है कि नहीं ये बता सकता हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से आपके हाथ में तो 3 से 4 बच्चों के योग दिखाई पड़ते हैं, बाकी पत्नी के हाथ से पता लगेगा कि कितने लड़के और कितनी लड़की। पैसा कब कितना, आपके जीवन में यदि पैसे की बात आप करते हैं तो देखिए सर, ये मैं आपको बता दूं, 55 वर्ष के बाद में सबसे अच्छा पैसा आपके जीवन में रहने वाला है। उससे पहले आपके जीवन में काफ़ी कुछ मेहनत से, बहुत संघर्ष से ही आप पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन पैसा कमाते रहेंगे। यानी कि इतना आसान नहीं है आपके जीवन में सब कुछ, आप मेहनत से ही निकाल करके कमा के लाएंगे। आपने कहा शादी कितनी, शादी कितने का जहाँ तक आपका सवाल है, बिल्कुल वैवाहिक जीवन आपका पीड़ित दिखाई पड़ता है, और साथ ही साथ मुझे संभावना काफ़ी कुछ है कि हो सकता है आपको 2 विवाह का योग आपके हाथ से दिखलाई पड़ता है। लेकिन आपको जो अगर सुख की बात करते हैं तो जो पहली पत्नी से सुख है वही दूसरी पत्नी से सुख है, यानी कि सुख आपको दोनों से ही नहीं मिलना है। इसलिए आप स्वयं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा ज़्यादा पीड़ित है, उसमें भोग भाग, उसमें केतु का शुक्र का संबंध बहुत है, यानी कि आपके अंदर भटकाव बहुत ज़्यादा है। तो वैवाहिक जीवन को आपको सुखी रखना है ना, नहीं तो आप दूसरी से भी सुखी नहीं हो सकेंगे अगर पहली को तलाक दे देंगे तो। कुल मिलाकर के सारी रेखाओं पर्वतों को मैंने बताया, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जीवन के अंदर आप किस प्रकार से, अगर लगातार चाहते हैं कि तरक्की मेरी बनती रहे, मैं विदेश में जाकर सेटल जाऊँ, नौकरी मुझे मिल जाए, सब सुख सुविधाएं मुझे मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक बेहतरीन सा यहाँ पर फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, एक फायर ओपल आपको इस उंगली में पहनना है। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे मंगा सकते हैं, हम आपको सैंपल दिखलाकर आपके साथ पहुंचा भी सकते हैं। और दूसरा, साथ ही साथ आपको रोजाना अपनी पूजा के अंदर, अगर आप अपनी पूजा में इस चीज़ को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सब रास्ते सुलभ होते चले जाएंगे, सब बाधाएं आपकी टलती चली जाएंगी। आप अपनी पूजा में रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कीजिए, जिससे आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद बांटें, और बैठ करके सुबह को कम से कम मंगलवार और शनिवार 2 दिन बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3-3 बार आप निश्चित सुबह के समय करें। नमस्कार।